एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारे ताऊजी की बेटी की रोका सेरेमनी, यानी कि हमारी दीदी की रोका सेरेमनी है आज। और यहाँ पर देवांशी और मिष्टी कर रहे थे डांस, क्योंकि देवांशी और मिष्टी सच में बहुत अच्छा डांस करते हैं। और बच्चों को जब इस तरीके का फैमिली फंक्शन देखने के लिए मिलता है और इन्जॉय करने के लिए मिलता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और यहाँ पर दीदी और सभी देख रहे थे बच्चों को, बच्चे डांस कैसा कर रहे हैं, क्योंकि देवांशी और मिष्टी दोनों ही बहुत अच्छा डांस करती हैं। यहाँ पर हो गई थी हम लोगों की भी एंट्री, नितिन जी और दीदी भी आ चुके थे, तो हम लोगों ने सभी ने एक साथ एंट्री की थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा हम लोग सभी कैसे लग रहे हैं आज, और मेरा ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमारी जो बड़ी दीदी हैं वो करा रही थी मेरे साथ फ़ोटो क्लिक। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हमने किया थोड़ा डांस, और हमारा डांस कैसा था वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोग करिए हम लोगों का डांस एंजॉय। और अब यहाँ पर हो चुकी है दीदी की ससुराल साइड से जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स आए थे उन लोगों की एंट्री। तो अब जो वो लोग ढोल वगैरह लेकर आए थे तो उस पर भी हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो अच्छा लगता है जब सभी एक साथ जुड़ते हैं फैमिली में, और अब तो एक कहते हैं ना नई फैमिली जुड़ने वाली है हम लोगों से, तो और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो वो लोग ढोल लेकर आए थे उस पर हम लोगों ने सभी ने थोड़ा थोड़ा डांस किया और इन्जॉय किया। लोगों ने सभी ने ढोल पर डांस किया और सबको डांस करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। दीदी की जो भी ससुराल साइड से उनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं वो सभी और हमारी पूरी फैमिली एक साथ मिलकर सब लोग बैठकर करेंगे नाश्ता, क्योंकि जब एक साथ फैमिली मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी ने अपना नाश्ता स्टार्ट भी कर दिया है। दीदी की जो भी ससुराल साइड से उनकी फैमिली मेम्बर्स आए थे उन सभी ने और हमारी फैमिली मेम्बर्स सब ने ही अपना नाश्ता स्टार्ट कर दिया है और अपनी बातें कर रहे हैं सभी लोग बैठकर। क्योंकि होता है ना जब हम एक साथ मिलते हैं ना तो कुछ पुरानी बातें होती हैं करने के लिए, कुछ नई बातें होती हैं
तो वो सब बातें एक साथ बैठकर ही होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग भी नाश्ता कर रहे थे, दीदी, मैं, मम्मी जी और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं सभी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो दीदी की शादी में नहीं आ पाए थे हमारी फैमिली में से, तो उन सभी, नितिन जी से, वो लोग सभी आज मिले हैं फर्स्ट टाइम। तो होता है ना, कुछ बातें मैंने बोला ही ना आपको, कुछ बातें हमारे पास होती हैं पुरानी करने के लिए और कुछ होती हैं नई बातें, तो वो ही आज हम लोगों के साथ भी हुआ। जो फैमिली मेम्बर्स दीदी की शादी में नहीं आ पाए थे वो लोग मिले नितिन जी से आज फर्स्ट टाइम, और सभी को नितिन जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सभी नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते के बाद जो भी दीदी की ससुराल साइड से उनके लिए गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी आई हैं या कपड़े आए हैं वो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और वो सब चीज़ें हमारे फूफा जी बता रहे हैं कि क्या क्या गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी आई है दीदी के लिए उनकी ससुराल साइड से, और कपड़े आए हैं। हमारे इधर जब रोका सेरेमनी होती है तो इस तरीके से सामान जो भी आता है वो दिखाया जाता है, बताया जाता है सभी लोगों को कि लड़की की ससुराल साइड से लड़की के लिए क्या चीज़ें आई हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी हैं, कपड़े हैं या मेकअप बॉक्स है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो वही सब चीज़ें कर रहे हैं हमारे फूफा जी। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरे पापा हैं, हमारे पापा जी हैं, फूफा जी हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग बातें कर रहे हैं, हमारे घर के जो भी बड़े हैं वो सभी, क्योंकि जो भी चीज़ें वो लोग लेकर आए हैं दीदी के लिए वो सब चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी, सब चीज़ें दिखाई गई, सब लोगों ने देखी, सब लोग अब बातें कर रहे हैं। बातें होने के बाद होगा दीदी का रोका सेरेमनी स्टार्ट, और दीदी की एंट्री होगी, तो आप लोग देखिएगा दीदी आज कैसी लग रही हैं वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हो चुकी है दीदी की एंट्री, और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज दीदी कैसी लग रही हैं। और यहाँ पर दीदी की ससुराल साइड से जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने दीदी को थोड़ा डांस भी कराया, और हम लोगों को ये देख कर बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ पर हम भी दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद दीदी की एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होने के बाद दीदी की जो भी रोका सेरेमनी है वो स्टार्ट होगी। और आप लोग देखिए हमारे इधर रोका सेरेमनी किस तरीके से की जाती है, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ भी रोका सेरेमनी इसी तरीके से होती है या कुछ अलग तरीका होता है। और आपको अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आज के ब्लॉग में क्या चीज़ें अच्छी लगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब दीदी की यहाँ पर जो रोका सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो मैंने आपको बताया कि दीदी की ससुराल से जो भी उनके लिए गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी आई थी, तो उनमें से कुछ ज्वेलरी दीदी को पहनाई जाएंगी, जैसे कि होता है रिंग। रिंग यहाँ पर मेन होती है पहनाना, तो जो दीदी की ननद है वो दीदी को रिंग पहनाएंगी, और रिंग पहनाने के बाद जो भी वो मिठाई होती है, नारियल होते हैं या पैसे होते हैं, वो सब चीज़ें दी जाती हैं शगन के तौर पर, तो वो दीदी को दे चुके हैं वो। और यहाँ पर जो रोका सेरेमनी होती है हमारे यहाँ पर वो इसी तरीके से की जाती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर रोका सेरेमनी किस तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ पर तो रोका सेरेमनी इसी तरीके से की जाती है। यहाँ पर जो दीदी की ननद है वो उनको रिंग पहनाएंगी, और रिंग पहनाने के बाद जो रोका सेरेमनी है वो हो जाएगी पूरी। और रोका सेरेमनी पूरी होने के बाद जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारी साइड के या दीदी के ससुराल साइड के, सभी लोग दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक कराएंगे, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर रोका सेरेमनी की जाती है। मैंने आपको पूरे ब्लॉग में दिखाया हमारे यहाँ पर रोका सेरेमनी किस तरीके से की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे यहाँ की रोका सेरेमनी कैसी लगी। ये बात तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर रोका सेरेमनी किस तरीके से की
की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर किस तरीके से की जाती है वो तो मैंने आपको फुल ब्लॉग में दिखा ही दिया है। और अब हम लोग भी अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं साइड में ही, क्योंकि दीदी का फ़ोटोशूट चल रहा था और साइड साइड हम लोग अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे। क्योंकि होता है ना, जब हमारा नंबर आएगा फ़ोटो क्लिक कराने का तब हम लोग करा लेंगे, उससे पहले हम लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पर दीदी की जो ससुराल साइड के लोग हैं वो सभी दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और फिर उनके बाद हम लोग अपनी फ़ोटो क्लिक कराएंगे दीदी के साथ। और अब यहाँ पर दीदी और नितिन जी भी फ़ोटो क्लिक कराएंगे, थोड़ी दीदी मिठाई खिलाएंगी दीदी को, और उसके बाद उनका फ़ोटो शूट होगा। और हमारे यहाँ पर तो ये सब जो फंक्शन होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमें। इस तरीके के फंक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय करते हैं। दीदी की फ़ोटो क्लिक होने के बाद मैंने, ध्रुव के पापा ने, और ध्रुव ने भी दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। और फिर एक एक करके जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स थे या दीदी की ससुराल साइड के फैमिली मेम्बर्स थे, सभी ने ही फ़ोटो क्लिक कराई। यहाँ पर आ गए थे बच्चे दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। बच्चों ने दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। बच्चों की फ़ोटो क्लिक होने के बाद मम्मी जी और अरुण ने दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम लोगों ने किया थोड़ा और डांस। डांस वगैरह करके हम लोग आ चुके हैं घर, और आज है मम्मी जी पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि दीदी की शादी के बाद मम्मी जी की शादी की ये पहली एनिवर्सरी पड़ रही है, और नितिन जी भी आए हैं घर तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, और मेरे पापा भी आए थे तो हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए घर, और हमने यहाँ पर केक कटिंग किया। और मम्मी जी पापा जी बहुत खुश थे, क्योंकि मम्मी जी पापा जी कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम केक कटिंग किया। क्योंकि होता है ना, हम अपने बच्चों में, फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो वही सेम चीज़ मम्मी जी पापा जी के साथ भी है। मम्मी जी पापा जी कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाता है इंसान। तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन करते ही हैं, तो हमने किया छोटा सा सेलिब्रेशन है। हमने केक मंगाया और मम्मी जी पापा जी बहुत खुश भी हुए, और हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग सभी एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, और आज मेरे पापा भी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा हम लोग सभी को आज मम्मी जी पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन करके। केक वगैरह कटिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सभी बैठकर खाना खा रहे हैं एक साथ। नितिन जी, दीदी, मैं, अरुण, क्रिश, मनु, सभी हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी की थी ताऊ जी ने, और बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को दीदी की रोका सेरेमनी का फंक्शन। Thank you.
यहाँ पे किया जा रहा है मान सम्मान, और मान सम्मान कर रहे हैं हमारे फूफा जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये किया जाता है जब भी बेटी की ससुराल साइड से कोई भी आता है उनकी फैमिली में से, तो उन सभी का किया जाता है मान सम्मान। तो यहाँ पर हमारे फूफा जी जो भी दीदी के ससुराल साइड से उनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं उनका मान सम्मान कर रहे हैं कपड़े और पैसों से। हमारे यहाँ पर ये किया ही जाता है, तो हमारे फूफा जी सभी का मान सम्मान करेंगे, और मान सम्मान करने के बाद उन सभी की हो जाएगी विदाई उनके घर के लिए। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर रोका सेरेमनी किस तरीके से की जाती है मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया है। और आज का मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मिला भूले, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय।